हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैमोफ्लेक एकेडमी में। देखो भैया, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। यूपी पीजीटी वाला जो फॉर्म, मतलब वैकेंसी रुकी हुई थी, उसके फॉर्म आ गए हैं और इवन अब तो फॉर्म अप्लाई होने भी शुरू हो गए हैं। और अब और क्या कहते हैं, आयोग ने ये भी बोला है कि भाई ये जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड होता है कि 3.5 महीने में, मतलब जून जुलाई तक, इसको पूरे को वैकेंसी को कंप्लीट करा जाएगा। ठीक है, तो मतलब जल्दी 3-3.5 महीने में इतनी अच्छी जॉब, 4600 ग्रेड पे होता है इसका। ठीक है, लगभग 60,000 रुपये की सैलरी की आसपास की जॉब आप 3.5 महीने की मेहनत में ले सकते हैं, पर आपको लग के मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, इस वीडियो में मैं ज्यादा ये नहीं बताने वाला हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है या कोई और बात नहीं करने वाले हैं। इसमें मेनली बात करेंगे हम नोटिफिकेशन को, देखेंगे क्या क्या दिया है उसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोटिफिकेशन के, जो छोटी छोटी चीज आप लोग मिस कर जाते हैं वो मैं यहां बताने वाला हूं। और दूसरी बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, वो भी आप देखिएगा। और एक बैच की भी अनाउंसमेंट है कि भाई हमारा जो बैच पहला चल रहा है, अब दूसरा बैच भी जब ये आ गया है तो 3.5 महीने में कंप्लीट करना है, तो दूसरा बैच भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। नोटिफिकेशन आ गई है ये रही, ठीक है, parikshaupi.nic.in पर ये मिल जाएगी आपको नोटिफिकेशन। इसमें देखो क्या गया, इंपॉर्टेंट चीज देखो कि भैया जो स्टार्ट है वो आज से ही स्टार्ट हो गए हैं, 16/3/2021 से स्टार्ट हो गए हैं फॉर्म। ठीक है, देखो तीन फेज में फॉर्म है। क्या है, सबसे पहला क्या है, पहले पे रजिस्ट्रेशन करना है हमको, इसमें भी लिखा हुआ है। दूसरे में क्या है, हमें पेमेंट करनी है। और तीसरे में फाइनल सबमिट करना है। तीसरे में क्या करना है, फाइनल सबमिट करना है। ठीक है, तो वही है कि भैया 16 से स्टार्ट हो गए हैं और आज से ही पेमेंट स्टार्ट हो गई है, फाइनल सबमिट भी आज से कर सकते हैं, पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 11 तारीख है, मतलब 11 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन तो एटलीस्ट कर ही लें। ठीक है, पेमेंट की 13 और फाइनल सबमिट की 15 तारीख। ठीक है, तो ऐसे समझ के चलें कि 11 अप्रैल ही लास्ट है। कुछ लोग ना इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अलग अलग डेट दी होती है, उनको लगता है कि 15 तारीख लास्ट डेट है और वो क्या करते हैं, 11 तक फॉर्म भी फिल नहीं करते, मतलब रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते। तो इसको उल्टा लेकर चलो कि 11 तक ही आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बस ये आ गया है नोटिफिकेशन, आपको parikshaupi.nic पर मिल जाएगा। कहां मिलेगा सब कुछ मैं बता दूंगा, कहां ये पीडीएफ डाउनलोड होगी, कैसे अप्लाई करना है, अभी देख लेते हैं इसकी नोटिफिकेशन में, देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है काम की। ठीक है, आओ नीचे बढ़ते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे इसमें लगा है पूरे नोटिफिकेशन में, ये तो सब वही है कि यूपीएससी की कहां कहां से कहां अप्लाई करना है आप लोगों को जाके, कि www.upsessb.org पर अप्लाई करना है, यही वही parikshaupi.nic.in पर खोलेंगे ना। ठीक है, तो यही इसकी साइट पर रिडायरेक्ट करेगा, वही वो उन्हीं की साइट्स हैं। ठीक है, देखो जो मैं बताने वाला था कि सबसे बड़ा जो पॉइंट मुझे लगा है इसमें वो ये है, 16 पॉइंट। आप इसको ध्यान से देखो, इस पॉइंट में क्या है, 16 जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग मिस कर जाते हैं, हमको पता नहीं होता है एक्चुअल में। देखो क्या है कि 16 को ध्यान से देखो कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। ऋणात्मक का मतलब होता है निगेटिव मार्किंग, मतलब जो भी आपका 425 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन है ना, 425 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन है, इसमें ही लिखा हुआ है। ठीक है, 50 का आपका इंटरव्यू है और 25 नंबर का आपका क्या है, जो एडिशनल वो है कि आपके पास स्टेट प्लेयर का सर्टिफिकेट है या बीएड एमएड है या पीएचडी होल्डर है, टोटल 500 मार्क्स, इस 500 में से कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ऐसे आगे बात समझ में, ये 425 मार्क्स का जो रिटर्न एग्जामिनेशन है, इसमें 125 क्वेश्चन आएंगे, ये भी सब इसी में है पीडीएफ में। ठीक है, जब पढ़ोगे आप, और हर क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का होगा ईच क्वेश्चन। ठीक है, और 2 आवर का टाइम होगा, सिर्फ 2 घंटे का टाइम होगा। ठीक है, देखो अब इस पॉइंट को बात करते हैं कि लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को आप ध्यान रख के चलना। इसलिए मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, निगेटिव की चिंता नहीं करनी है, मैक्सिमम एग्जाम में निगेटिव होती है, इसलिए हम इस पॉइंट को मिस कर सकते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया यही है इसका। ठीक है, बाकी तो बात करते हैं कितनी फीस है, कितना क्या है, आगे नीचे चलते हैं। ठीक है, ये वही है कि ये किस तरीके से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ये सब पॉइंट है। बाकी बात करते हैं वेटेज किस तरीके का, कि वही जो अगर किसी का एक्सपीरियंस है वगैरह तो वो कैसे काउंट होगा, वो सब इतने ज्यादा डिटेल वाली बात नहीं है, जिसका होगा वो देख ले।
ये सब वही है कि किस तरह से करेंगे। डिजिटल नोटिफिकेशन आ गया है, तीन चीजें, यूजर इंस्ट्रक्शन को, पहली इंस्ट्रक्शन जो था ना यही पीडीएफ है इंस्ट्रक्शन, इसी को पढ़ना है, फिर उसके बाद अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो सब बताएंगे, ठीक है। तीन चरणों में आवेदन है, जैसा बताया था मैंने कि तीन चरणों में क्या है, वही रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और फाइनल सबमिट। ये रहा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और फाइनल सबमिट, ठीक है। पहले में रजिस्ट्रेशन क्या करना है, ये सब वही है, बेसिक है कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है वो सब बता देगा, कि जेंडर वगैरह ये सब, कि आप ईडब्ल्यूएस है नहीं। एक चीज और बता दूं, जो भी कैटेगरी है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के रेजिडेंट्स के लिए है। आप ईडब्ल्यूएस है या आप ओबीसी है या आप एससी है, आप सॉरी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है, तो आप अगर यूपी के निवासी हैं तभी आपको ये वो मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं वैलिड डेट रिव्यू सबमिट रजिस्ट्रेशन शुल्क भुगतान। देखो ये मेरे को बड़ा गंदा लगता है, मतलब जो इसका पेमेंट वाला है यार, इतनी ज्यादा फीस लेते हैं बस पूछो मत, कि 750 रुपीज फीस, 750 रुपए जनरल वालों के लिए यार, 750 रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। मतलब एक तो बेरोजगार है, अगर इतना ही पैसा होता तो नौकरी क्यों तलाश रहे होते, ठीक है। वैसे यूपी हायर एजुकेशन का फॉर्म निकला हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, हाँ मैं बता दूं यूपी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भी फॉर्म आ गए हैं, जो लोग नेट क्वालिफाई हैं या पीएचडी कर चुके हैं वो हायर एजुकेशन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2000 रुपए फीस है उसकी यार, उसकी भी बहुत ज्यादा है। मतलब यार तुम, भारत एक ऐसा देश है जहां 1300 रुपए पर बीपीएल से ऊपर हो जाता आदमी, यहाँ 750 रुपए मतलब मंथली इनकम ले रहे हो तुम पूरे आदमी की, वहां 2000 रुपए, इतना पैसा कहां होता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस देखो, ये आयरनी देखो कि जिसको सरकार खुद कह रही है कि ईडब्ल्यूएस है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनकी फीस भी 650 रुपए है, कहां से लाएंगे भाई, वो तो खुद वीकर सेक्शन है, इनका तो ऐसे ही जीरो हो जाना चाहिए। बाकी देख लो ओबीसी की 750 है, एससी 450, एसटी 250, ठीक है। फॉर्म कर देना अप्लाई भाई, अब मांगी है तो देनी पड़ेगी, ये तो इसी से अमीर होना चाहते हैं, बाकी देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, फीस वगैरह का पता चल गया, 750 रुपए बहुत ज्यादा है। हायर एजुकेशन वाले भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनकी 2000 रुपए फीस है, उसकी कोई डिटेल जाननी होगी तो मुझे बता दें। ये फॉर्म सबमिट का है कि एक फोटो चाहिए, फोटो में यह ध्यान रख लेना कि व्हाइट बैकग्राउंड हो और मुंह बंद हो, कान वान ठीक है, बाल लड़कियों के पीछे हो, आगे ना आ रही हो, लटे इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं डिक्लेरेशन वगैरह, ये सब वही है मेन चीज है। इसके बाद वही आयु सीमा की 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम ना हो। और देखो कुछ लोगों के मन में डाउट होता है कि सर जो बीएड वाले हैं, जो बीएड कर रहे हैं ठीक है, वो क्या डालेंगे, कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। देखो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो भी अर्हताएं हैं, मतलब जो भी क्वालिफिकेशंस है, वो जिस लास्ट डेट है जो फॉर्म अप्लाई करने की उस तक पूरी हो जानी चाहिए। अगर उस तक आपका बीएड पूरा नहीं हो रहा है तो बीएड नहीं डालेंगे, ठीक है, ये चीज समझिए आप। ये लिखा है अर्हता की तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी, जो क्वालिफिकेशन डिटेल है, ठीक है। बाकी शैक्षिक योग्यता है आप सबको बताइए यार, देखो 4800 ग्रेड पे है भाई, ठीक है। प्रवक्ता वर्ष 47600 से 1,51,100 रुपए तक सैलरी बनने का। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए अनुमान्य होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। जिले का एसडीएम का वो चाहिए सर्टिफिकेट, ये सब बाकी सारे रूप से कमजोर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, ये सब। परीक्षा केंद्र हर मंडल पर होगा, जैसे मुरादाबाद मंडल हो गया, कानपुर ठीक है, लखनऊ, आगरा, मेरठ, इस तरह गाजियाबाद ठीक है, ये मंडल होंगे। और आपका कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं भरवाया जाएगा, बोर्ड अपने अकॉर्डिंग परीक्षा केंद्र आपको देगा, ठीक है, और आपको उसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देनी है, ये बात है। साक्षात्कार के 10% अंक साक्षात, वही है कि 50 नंबर साक्षात्कार के हैं उसमें किस तरह मिलेंगे, उसमें सामान्य ज्ञान के 4% अंक होंगे, और व्यक्तित्व परीक्षा मतलब पर्सनैलिटी के 3% अंक, और अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन थॉट्स की 3% अंक, ठीक है। बाकी ये 5% अंक डायरेक्टेड बीएड एमएड वालों को किस तरीके से हैं वो है, वही है कि आगे लिखित परीक्षा 425 अंक की है, 50 अंक इंटरव्यू के, 25 अंक हमारे ये सब जो बीएड एमएड वालों के, 500 अंक है, ऋणात्मक मार्किंग नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा की अवधि 1% 3.4 मार्क्स का, परीक्षा की अवधि 2 घंटे, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में, और ये देखो बोर्ड ने बोला है कि 3.5 महीने में पूरे करेंगे, देखो तो 3.5 महीने में पूरी करना भी एक हाथी का पैर है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा धांधलेबाजी हो रखी है, ठीक है, पर हो जाएगी, बोर्ड बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट अच्छी है, ठीक है। कोई एक से ज्यादा 2 बीवी हैं किसी के तो वो पात्र नहीं होगा, ये सब चीजें फालतू की बातें हैं ये।
आओ अब बात करते हैं कि वही कि शैक्षिक योग्यता क्या है, मतलब क्या क्या होना चाहिए। देखो इसमें भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ये सब ये परफॉर्म है किस तरीके का सर्टिफिकेट बनवाना है ये सब आप देख लेना। ये कोई ये सीट सीट हमारा भी सब्जेक्ट रसायन विज्ञान है। अरे आजा भाई बड़ा हो जा, छोटा हो रहा है यार। देखो कहाँ है रसायन विज्ञान, ये रहा पॉइंट नंबर 16। देखो रसायन विज्ञान ये रहा 16 रसायन विज्ञान, इसमें 98, 46 और 16 ये क्या क्या है देख लो। ये है कि जनरल ओबीसी और एससी एसटी में कितनी सीट है, ठीक है। तो जनरल ओबीसी एससी एसटी की सीट से और टोटल कितनी सीट है रसायन विज्ञान में, 160 सीट है। ये पुरुष वर्ग की सीट है, सॉरी 160 जो है ये पुरुष वर्ग की सीट है। इसमें दो वर्ग में दी हुई है वैकेंसी, ये बालक वर्ग। देखो बालक वर्ग में सिर्फ मेल बालक वर्ग में मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसका ये है कि जनरल की इसमें कितनी सीट है, 98, 46 ओबीसी, 16 एससी, 0 एसटी और 148 टोटल सीट्स हैं, ठीक है। आगे बात समझे, हमें तो सिर्फ रसायन विज्ञान का देखना है। और ये बालिका वर्ग में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं और इसमें रसायन विज्ञान की 8 जनरल की सीट है, 3 ओबीसी की हैं, ओवरऑल 11 सीट्स हैं, ठीक है। तो 160 प्लस 11 ये हो गई ओवरऑल। आप महिला वर्ग में सिर्फ महिला अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। आप लोग देख लें कि आपको पुरुष वर्ग में अप्लाई करना है, महिला अपने अकॉर्डिंग देख लें, ठीक है। बात करते हैं यदि शैक्षिक अर्हता है, मतलब इसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं। देखो हमें रसायन विज्ञान का खोलना है तो इसमें जो सब लोग पूछ सकते हैं यूपी पीजीटी का, बहुत सारी अच्छी बातें हैं यूपी पीजीटी। एक तो ये बीएड कंपलसरी नहीं मांगते, दूसरी बात ये है कि जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स वाले वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो सॉरी कहां गया, हाँ ये रहा। देखो जो भी ये देखो ये है रसायन विज्ञान सब्जेक्ट और इसमें क्वालिफिकेशन की एमएससी होनी चाहिए, प्रशिक्षण वगैरह मतलब ट्रेनिंग वगैरह का ये है एक्स्ट्रा वाली क्वालिफिकेशन, ये है। तो आपको वो एक्स्ट्रा 5% जो 25% अंक है सॉरी 25 मार्क्स हैं उनमें से मिलेंगे। देखो आपकी रसायन विज्ञान में एमएससी होनी चाहिए या रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय कार्यक्रम बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को आप याद रखने का, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या होना चाहिए कि किसी बायोकेमिस्ट्री एमएससी बायोकेमिस्ट्री भी चलेगी आपकी, ठीक है। या फिर कि बीएससी होनी चाहिए डिग्री और जो 2 ईयर का बीएससी स्नातकोत्तर मतलब पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे पीजीडीएमए वगैरह डिप्लोमा होते हैं ना वैसे केमिस्ट्री में डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बाकी यही यहीं तक नोटिफिकेशन था। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे कैमोफ्लिक अकेडमी के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने मैक्सिमम चीजें बता दी हैं, ध्यान रखें फोटो व्हाइट बैकग्राउंड का खिंचा लें या ग्रे बैकग्राउंड का लाइट ग्रे का, तो उसका ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि फॉर्म को अप्लाई कहाँ करना है। चलो मैं दिखाता हूँ कि अप्लाई कहाँ करना है। ये रहा खुल जा सिम। हाँ देखो ये है parikshaup.nic.in की वेबसाइट है, ठीक है। इस पर देखो ये आ रहा होगा उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज। उसने बोला भी नोटिफिकेशन में UPSESSB की वेबसाइट पर ही अप्लाई करना है। जैसे ही क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करोगे, ठीक है, ये वाला पेज खुल जाएगा parikshaup.nic.in एजेंसीज एएसपीएक्स। तो देखो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, ये रहा एडवर्टाइजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये वाला पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट पर डाउनलोड हो जाएगा। इसमें सिस्टम पर नहीं है कनेक्ट, ठीक है, आपके लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन स्लैश एडवर्टाइजमेंट, देखो यहाँ दो एडवर्टाइजमेंट है, एक टीजीटी टीचर वाला एक पीजीटी वाला। हम लोगों को बेसिकली पीजीटी अप्लाई करना है, यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं यहाँ से फिर से अप्लाई, बाकी तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, सबके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको पीजीटी में कौन से में अप्लाई करना है, केमिस्ट्री में। पीजीटी केमिस्ट्री परमानेंट नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट होती है, पे स्केल जो भी होता है 47,600 से 151,100 तक, लोअर एज 21 होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ जुलाई में मांगी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 171, सॉरी वापस कहाँ से आ गया, नहीं चलते यार कहाँ टच हो गया, 171 पोस्ट का मतलब क्या था कि देखो 171 पोस्ट का मतलब ये है कि 160 मेल वाले में और 11 फीमेल वाले में 170। यहाँ से क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, बाकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्वालिफिकेशन तो मैंने बताई थी सारी, ठीक है। देखो रजिस्ट्रेशन में नीचे आना है और इस वाले को ऑन कर देना है यहाँ से,
ठीक है, डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैंने सब पढ़ लिया ये वो सब। अब देखो, अगर आपने जब ये कैंसिल हो गई थी, लोगों के दिमाग में ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब निरस्त हो गई थी, हम लोगों ने फीस पेमेंट कर दी थी, तो क्या हमारे लिए क्या ऑप्शन है। देखो, अगर जिसने अप्लाई कर दिया था और फीस पे कर दी थी, कंप्लीट कर दिया था, तो यहां से वो यस सेलेक्ट करेगा। अगर किसी ने फीस पे नहीं की थी तो वो यहां से नो करेगा। अगर उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया पर फीस पे नहीं की है तो आपको नो करना है। अगर फीस तक पे कर दी थी तो यहां से यस करना है और अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वेरिफिकेशन कोड डालना है, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, आपकी पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और यहां से नो करना है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, और उसके लिए ये सब डिटेल आ जाएंगी, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, मार्क्स, ग्रेजुएशन के, एमएससी के, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। ओके, एंड यहां पर डाल देंगे वेरिफिकेशन कोड, वैलिडेट एंड प्रीव्यू, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, यही कि है या नहीं है, क्वालिफिकेशन डिटेल, सर्टिफिकेट नंबर एंड ऑल सब, यही सब डालना है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का बोर्ड, ये सब, ₹750 पे करना, इसके बाद पेमेंट करनी है, फाइनल सबमिट करना है, पैसे देने हैं, दैट्स इट। यहाँ से ऊपर से वेबसाइट नोट कर लो, अगर नोट भी करनी है किसी को तो, ठीक है, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं ये वेबसाइट, ठीक है, parikshaup.nic.in, क्योंकि बहुत बच्चों को वेबसाइट नहीं मिल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो का, वेबसाइट का भी। और सबसे बड़ी बात, इसका सिलेबस इसका इंग्लिश वाला सिलेबस लोगों को नहीं मिल रहा है, पहले वैसे सिलेबस था, तो उसके डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश और हिंदी दोनों के सिलेबस की PDF है वीडियो के, वहां से देख लें, इंग्लिश का सिलेबस कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने खुद से वो ट्रांसलेट किया था बैठ बैठ कर, ठीक है, एक एक टॉपिक को, तो वो जरूर देख लेना। आओ बात करते हैं अब एक और काम की बात, कि भैया ये देखो कि अब पढ़ना कैसे है, अब उसकी बात कर लें। हमारा एक बैच चल रहा है, उनके बहुत सारे टॉपिक कवर हो गए हैं, उनको नोट्स देने रह रखे हैं, उनके एक दो टेस्ट भी हो गए हैं, ठीक है। तो अब सेकंड बैच जो है हमारा, ठीक है, आ जाओ भाई, सिम किस कलर का पहने, देखो सेकंड बैच स्टार्ट हो गया है, इसके रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट होंगे। आपको क्या करना है, कैमोफ्लिक एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना है और UPPGT केमिस्ट्री बैच रजिस्टर करना है वहां पर, ठीक है। और वहां पर पेमेंट करनी है कितनी, 3500 रुपीज की, कोई डिस्काउंट नहीं है अभी, ठीक है। और इसकी क्लासेस बिल्कुल आज से ही स्टार्ट हो जाएंगी, आज 16th है, आज से ही फॉर्म स्टार्ट है 16 मार्च से, और आज से ही क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी आप सबको पता ही है क्या क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेगा, डाउट सेशन मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और गाइडेंस तो आपको मिल ही रही है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में, हम KV NVS वगैरह के भी देंगे, ठीक है। UPPGT तो मिलेगी, क्योंकि उसके तो कम ही पेपर होते हैं, 2-3 के, KV के मिल जाएंगे आपको, NVS के मिल जाएंगे, बाकी ये सब कुछ मिलेगा आपको, सबको पता है। ये सेकंड बैच है हमारा UPPGT का चल रहा है। देखो, इससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो आपका UPPGT का बैच ये बोला है कि 3.5 महीने में कंप्लीट करना है, तो लगभग इसका एग्जाम भी जून या जुलाई में लेंगे, जून या जुलाई में, और 20 जून को आपको पता ही है आपका UPGIC का पेपर भी है, तो दोनों एग्जाम आपके कवर अप हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो UPGIC दोनों एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। कुछ बच्चों को सिर्फ कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो उनकी टेस्ट सीरीज की कीमत है सिर्फ ₹1500, ₹1500 में सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इनका टेस्ट जो स्टार्ट होंगे वो ज्वाइन कर लो, ये शायद हम 25th मार्च या 1st अप्रैल से करेंगे, ठीक है, 25th मार्च या 1st अप्रैल से इनके टेस्ट स्टार्ट होंगे, पर वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, फीस बढ़ सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बच्चे बढ़ेंगे, तो भाई जैसे डिमांड बढ़ती है तो आपको पता ही है सप्लाई भी बढ़ती है, नहीं डिमांड बढ़ती है तो पैसे बढ़ते हैं, सप्लाई नहीं बढ़ती, ठीक है, सप्लाई करते। आओ चलो बात करते हैं, ये बैच स्टार्ट है भाई, इसके रजिस्ट्रेशन है, आपको कैमोफ्लिक एकेडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इन दोनों नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर बाई चांस कॉल बिजी आता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको कॉल बैक कर लिया जाएगा, बाकी आप कॉल करके 2-3 बार ट्राई करें, उठा ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे से बात कर रहे होते हैं तो कभी कभी बिजी आ जाते हैं, ठीक है। ये सब बैच है, कैमोफ्लिक एकेडमी का बैच बेस्ट बैच है, आप इसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। UPPGT के लिए सिर्फ ₹3500 में आपको ₹60,000 महीने की जॉब लगने की, जो मिस मत करो, 3.5 महीने हैं आपको, ठीक है, 3.5 महीने मतलब ₹1000 महीना के आसपास समझ लो, अगर ले रहा है, 12th की कोचिंग की फीस ज्यादा होती है, इवन
पर आवर, जो दिल्ली वगैरह बड़े शहर हैं यहाँ पर आवर ट्वेल्थ की मतलब ट्यूशन फीस इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बात करते हैं, ये सब आप पढ़ो, बैच का रजिस्ट्रेशन करो, कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी अब कुछ लोग जो हायर एजुकेशन वाले हैं, मैंने बताया था कि हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आ रखा है, उसका स्पेशल बैच तो नहीं है, लोग बहुत पूछ रहे थे, पर वो हमारा नेट वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसमें बेसिक टू एडवांस है, सारे ही टॉपिक हैं ग्रेजुएशन वाले भी, ठीक है। तो वो हायर एजुकेशन वाले नेट वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो। थैंक यू सो मच, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो। थैंक यू।